नमस्कार साथियों, आज भारत संवाद के दूसरे एपिसोड में हम संवाद सीरीज को आगे बढ़ाते हुए श्री अनादि चतुर्वेदी जी को लेकर के आए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनादि जी भारत में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एज एन इंजीनियर भी काम कर चुके हैं और अब दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में आप देखें तो शीर्ष नेतृत्व संभाले हुए हैं एंड अपर मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें देख रहे हैं वो। और जाहिर सी बात है, अब हमारे साथ अगर अनादि जी जुड़ेंगे तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। अनादि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमको अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू किंजल सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस संवाद सीरीज। और मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे बहुत फॉलो करता हूँ और मुझे लगा कि इस तरह की सीरीज बहुत जरूरी है आज के एनवायरनमेंट में, और इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। अनादि, हम आपसे जो सवाल पूछना चाहेंगे, जाहिर सी बात है आपकी जो एक्सपर्टीज है वो टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि आप उससे जुड़े रहे हैं थ्रू आउट योर करियर, जो आपने अपना करियर बिल्ड किया है इसी के इर्द गिर्द किया है। और अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी एज अ होल अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिसोर्स ओरिएंटेड नहीं रह गई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्वे और स्वीडन की, तो स्वीडन पूरा का पूरा अगर आप देखें तो उसने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द किया, वहां पे इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी रही। वही नॉर्वे की बात करें तो उसने ऑयल रिसोर्सेज के आधार पे अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। अब लेकिन 21वीं सदी में चीजें बस रिसोर्स तक सीमित नहीं है कि आपके पास तेल है तो आप अमीर हो जाएंगे, ये शायद 20th century तक की बातें थी। लेकिन 21वीं सदी में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मैक्सिमाइजिंग जो रिसोर्सेज आपके पास है, उससे क्या आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उससे मैक्सिमम गेन ले सकते हैं, यानी कि इनोवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ इसमें है पहला कि इनोवेशन क्या है और यूएसए ने ऐसा क्या किया जो इस प्रकार की इकोनॉमी, आज इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी यूएस बना पाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है किंजल, और यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने ऐसा बोला है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आई थिंक 21st century एंड इवन द सेंचुरीज आफ्टर दिस, इसमें टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा विल प्रोबेबली बी दैट रिसोर्स जिसको यूज करके कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और अपनी सिविलाइजेशन प्रोस्पेरिटी को लाने वाले हैं। तो अब इनोवेशन की बात हो रही है तो आई थॉट कि थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि इनोवेशन क्या है। तो इनोवेशन की मैं एक डेफिनेशन पहले लूंगा तो थोड़ा सा समझाऊंगा कि रिसेंट हिस्ट्री में क्या ऐसी चीजें हुई हैं विच आर कंसिडर्ड एज बिग इनोवेशंस इन आर सोसाइटी, और उससे थोड़ा हमको समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि वेस्ट एंड यूएसए आर कंसिडर्ड एज द यू नो जायंट्स ऑफ इनोवेशन इन रिसेंट हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इनोवेशन नहीं किया, इंडिया ने बहुत सारी चीजें इनोवेशन की, बट हाँ रीसेंट पास्ट में हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से की हैं। और फिर थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूंगा कि यूएस में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग लीप लिया इस चीज में, और फिर इंडिया क्या कर सकता है टू बिकम एन इनोवेशन सुपर पावर एंड बेसिकली हेल्प द इकोनॉमी ग्रो फॉरवर्ड। तो क्या है इनोवेशन? तो इनोवेशन की एक सिंपल मैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी लूंगा जस्ट टू सेट सम कॉन्टेक्स्ट। तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी बोलती है कि इनोवेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, आइडियाज और वेज ऑफ डूइंग समथिंग। थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है बट बेसिकली कह रहे हैं कि नए तरीके से हम किसी चीज को करें जो पहले कभी किसी मानवता ने सोचा नहीं था, एंड दैट इज बेसिकली इनोवेशन। तो रिसेंट हिस्ट्री में अब थोड़ा जाते हैं, 400 या 500 ईयर्स का मैं लुक बैक देता हूँ, सबसे बड़े क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। तो 1400s में यूरोप में पेपर मशीन आई, पेपर मशीन के आने के बाद डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एकदम से एक्सप्लोड हो गया। बाइबल सडनली बिकेम द मोस्ट पब्लिश्ड एंड मोस्ट रेड बुक, और उसकी वजह से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है चर्च और क्रिश्चियनिटी को वो बढ़ावा दे पाए। तो एक नया तरीका था, पहले कोई तरीका नहीं था कि बुक्स कैसे प्रोड्यूस हो मास स्केल पे, कभी हमने किया, सिविलाइजेशन ने किया नहीं था। न्यूटन लॉ है 1700s में, न्यूटन कंप्लीटली चेंज्ड हाउ वी अंडरस्टूड अर्थ्स इंपॉर्टेंस, यूनिवर्स कैसे चलती है। उन्होंने तो बहुत ही तीन जो फिजिकल लॉज लाए और बहुत सारी जो उन्होंने
थ्योरीज निकाली, उसके बाद से हम वर्ल्ड को बहुत अलग तरीके से समझ पाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद मॉडर्न कैपिटलिज्म आया, उसकी वजह से पूरा एक तरीका चेंज हो गया कैसे हम काम करते थे। प्राइवेट एंटरप्राइज आने लगी, प्राइवेट कंपनी सेटअप होने लगी, मनी को लेके रिसोर्स से कुछ सर्विस बनाए और उससे पैसा कैसे एक्सट्रैक्ट करें, इस तरह की कॉन्सेप्ट्स पहले नहीं थे हमारी हमारी सोसाइटी में। मैं ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। स्टीम इंजन आया ईयर 1800 में, उसकी वजह से ब्रिटिश कॉलोनियल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वो गुड्स को इधर से उधर कर पाए एट अ मच फास्टर पेस जो कभी किसी और ने ह्यूमैनिटी में किया नहीं था। तो ये तो कुछ 400 या 500 ईयर्स में बड़े इनोवेशन हुए। यूएस रिसेंटली आई वुड से 1700 या 1800 के बाद यूएस ने उस पेस को पकड़ा जो यूरोप में ये चल रही थी इनोवेशन की वे। तो जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, उसको परफेक्ट किया बल्ब को। टेस्ला ने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरीज निकाली, कॉन्सेप्ट्स निकाले, तो वो जो एसी करंट होता है वो एक डोमिनेंट फोर्स बना। ग्रेहम बेल ने टेलीफोन निकाला एज वी ऑल नो। और फिर आई थिंक इंटरनेट, पीसी, AIML आर सम ऑफ द बिग इनोवेटिव थिंग्स जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में हुए यूएस में। तो अब सवाल ये उठता है कि यूएस ने कैसा क्या किया। और मैं एक सेकंड इस पे भी लेना चाहूंगा कि इनोवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। आई थिंक योर व्यूअर्स शुड अंडरस्टैंड कि इनोवेशन, हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इनोवेशन को। तो एक रिसर्च है, इकोनॉमिस्ट ने यूएस में कैलकुलेट किया कि जो भी यूएस की जीडीपी ग्रोथ हुई है इन द लास्ट 100 odd years, उसमें रफली 50% ऑफ दैट जीडीपी ग्रोथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस थिंग कॉल्ड इनोवेशन। तो इनोवेशन डेफिनेटली एक ऐसी फोर्स है जिससे किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है। एक और रिसर्च आई थी यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की कि 1900 से 2000 में जो डिफरेंट सिटीज हैं यूएस की, उसमें इनोवेशन का क्या रोल था। तो उन्होंने ये देखा कि पैटेंट्स कौन सी सिटीज में से आ रहे थे। तो कैलिफोर्निया जैसे स्टेट है उसमें सिटीज हैं, बहुत सारे यहाँ स्टेट्स हैं यूएस में, पैटेंट्स कहाँ से आ रहे थे और उस सिटी की क्या जीडीपी ग्रोथ थी। तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट कोरिलेशन देखा कि जिन सिटीज से पैटर्न्स ज्यादा डेवलप हो रहे थे उन सिटीज की जीडीपी ग्रोथ वाज मच हायर एज कंपेयर टू अदर सिटीज। तो इनोवेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ नया चीज किया, इनोवेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है और कंट्री की प्रोस्पेरिटी को बूस्ट मिलता है। तो अब बात करते हैं कि भाई यूएस ने ऐसा क्या कर दिया। तो आई थिंक यूएस का मूल, मतलब अगर मैं समरी अगर करूं, और मतलब बहुत बड़ी हिस्ट्री है यूएस की, बट इफ आई ट्राई टू समराइज इट कि 5 या 6 मेन पॉइंट्स क्या थे, तो आई थिंक उसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज है इन ऑल दीज थिंग्स इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। तो हिस्टोरिकली यूएस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल जो फ्रेमवर्क्स हैं, दे हैव बीन प्रीटी रोबस्ट। आईपी प्रोटेक्शन लॉज आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में अगर पेटेंट कोई कंपनी निकालती है तो 10 साल तक कोई भी दूसरी कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, इवन इफ दे एबल टू फिगर आउट द फॉर्मूला। पूरी रॉयल्टी जाती है सो दैट देयर इज सम इंसेंटिव फॉर दीज कंपनीज टू इनोवेट। और ये बहुत स्ट्रांगली गार्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बोल दिया बट साइड में कुछ चल रहा है और लोग मतलब उसको बेच रहे दवाइयों को। तो बहुत स्ट्रांग लॉज है, एंटी कंपेटिटिव लॉज बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि कोई कंपनी मोनोपली कर रही है किसी मार्केट में और डोमिनेट कर रही है जबरदस्ती, तो ये यहाँ पे रूल्स ऐसे हैं कि जाके कंपनी को वो जाके केस भी कर सकते हैं। गूगल पे केस चल रहे हैं प्रिवेसी को लेके, गूगल पे केस चल रहे हैं कि हाउ दे आर अब्यूजिंग देयर डोमिनेंस इन सर्च मार्केट टू गेट फेवरेबल ट्रीटमेंट। तो जैसे उन्होंने एप्पल में ब्राउजर इंस्टॉल कर दिया है अपना, गूगल सर्च यूज कर रहे हैं, तो इस पे भी एंटी कंपेटिटिव बहुत बड़ी डिबेट चल रही है यूएस में। तो ये लीगल फ्रेमवर्क्स बहुत, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनोवेशन, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मोनोपोली हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो कंपनी जो मोनोपोली बन चुकी है वो फर्दर इनोवेशन प्रमोट नहीं करेगी एंड दे विल बी हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट। तो इसलिए कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताए ना दी, हाँ बता रहे थे कि और मैं इस पे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स द मोदी गवर्नमेंट हैज डन, विच इज कि पीएसयू को थोड़ा डाइवेस्ट करने का स्टार्ट किया है। बिकॉज आप एज अ गवर्नमेंट कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस, प्राइवेट एंटरप्राइज और लोग चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो ये बिजनेसेस रन करें। और ये पुराने टाइम पे शायद बहुत इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक
सेक्टर मतलब गवर्नमेंट्स कंट्रोल करें बिजनेस, बट आई थिंक इस जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इसकी जरूरत नहीं है. और आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग प्रीटी वेल. और हम इस पे भी थोड़ा टच करेंगे. दिस डायरेक्टली गोज इनटू द हार्ट ऑफ द थिंग कॉल्ड कैपिटलिज्म. आई थिंक कैपिटलिज्म प्रमोटेड इनोवेशन, जो ये स्पिरिट है कैपिटलिज्म की, दैट डिड. बट कमिंग बैक टू लीगल, मैं एक और फाइनल पॉइंट बस बोलूंगा कि इम्पार्शियल लीगल इंस्टीट्यूशंस और स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस. और इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण है, काउंटर एग्जाम्पल है कि हाउ चाइना टोटली वाइप्ड आउट एडटेक. और अब आप वहां के एंटरप्रेन्योर्स का अगर सोचें, वहां के जो बायजूस और इस तरह की जो कंपनीज बना रहे हैं एडटेक की, उनके लिए कैसा डीमोरलाइजिंग है कि आप मतलब बिजनेस बना रहे हो, बढ़ा रहे हो, कुछ पब्लिक सर्विस कर रहे हो, नेक्स्ट डे फरमान आता है कि जी भाई सब बंद करो एडटेक. उसका जो भी रीजन हो उस पर डिबेट नहीं है, बट पॉइंट ये कि इस तरह के एडहॉक डिसीजंस यूएस में एटलीस्ट मैंने इस तरह के नहीं देखे. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए सो दैट बिजनेसेस कैन थ्राइव एंड बिजनेसेस कैन इनोवेट. दूसरा है कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यूएस हैज फुली एम्ब्रेस कैपिटलिज्म फॉर गुड और बैड, वो एक और डिबेट बन जाती है. बट अगर आप देखें, इवन इंडिया हैज गॉट बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिज्म. 91 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद से हमको पता है कि कितनी फ्लरिश की है हमारी इकॉनमी. और एज आई मेंशनड अर्लियर कि आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग फेयरली वेल. मोदी जी के पास काफी सही विजन है. और कैपिटलिज्म को थोड़ा और एम्ब्रेस करना पड़ेगा. वो एक सोशलिस्ट जो माइंडसेट है, जो अभी भी काफी जगह पे और काफी स्टेट्स में है, वो हमको हटाना पड़ेगा. क्योंकि बिना कैपिटलिज्म के इनोवेशन स्टाइफल होने लगता है. भाई इंसेंटिव चाहिए, हर आदमी को एक इंसेंटिव चाहिए कि मैं बिजनेस अगर कर रहा हूं तो मुझे कुछ रिटर्न में मिले. इट कुड बी पावर, इट कुड बी मनी, इट कुड बी एनीथिंग. तो कैपिटलिज्म बहुत जरूरी हो जाता है. थर्ड पॉइंट है टैक्सेशन. टैक्सेशन में बस छोटा सा एक पॉइंट है कि टैक्सेशन लॉज हैव बीन प्रीटी गुड इन यूएस. फेयरली लो रहा है. मैं डेटा देख रहा था कि कैपिटल गेन्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूएस का रफली 24% आता है, ओईसीडी का 35% है. एंड मैनी पीपल, मैनी इकोनॉमिस्ट हैव सेड कि अगर टैक्सेशन कम होता है तो इट इज ऑलवेज फेवरेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू थिंक ऑफ सेटिंग अप बिजनेसेस. और इसमें भी आई थिंक मोदी जी, व्हाट आई हैव सीन इज कि काफी इनिशिएटिव्स ला रहे हैं टू मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, इट कुड बी फॉर्म ऑफ बेटर टैक्स कंप्लायंस. एंड आई थिंक इवेंचुअली जब ये हमारे पास चीजें हो जाएंगी, हम भी शायद थोड़ा टैक्स कम करने की डायरेक्शन में जाएंगे इन इंडिया. यूएस में वैसे टैक्सेशन इज अ वेरी डिबेटेड इशू. ऐसा कहा जाता है कि बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें, उनपे टैक्सेस कम लगते हैं. रिच पीपल, दे फ्लाउट टैक्सेस ऑल द टाइम. एंड इट इज अनफॉर्चुनेटली द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास विच बेयर्स द बर्डन, जिसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्सेशन थोप दिया जाता है. तो ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ है. तो वो भी तो परफेक्ट चीज नहीं है जो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं. परफेक्ट तो नहीं है, इसमें सब में कैवियट्स हैं. और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि वॉरेन बफे, जो एक टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, उसने एक बार रिमार्क किया था कि मेरा जो टैक्स ब्रैकेट आता है वो मेरे सेक्रेटरी से कम है. आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लॉज और इतने सारे लूपहोल्स, नहीं बोलूंगा, इनिशियली प्रोविजंस बनाए थे कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स और कैसे बिजनेसेस अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं टू प्रमोट दिस होल इनोवेशन एंड ग्रोथ. बट अब क्या होने लगा है कि वो इतने सारे रूल्स, इतने सारे आपके पास कोट एंड कोट लूपहोल्स बन गए कि लोग उसको एक्सप्लॉइट भी करने लगे. बिजोस आई थिंक एट वन पॉइंट वाज इन जीरो टैक्स ब्रैकेट, क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट उस तरह से स्ट्रक्चर की थी कि इवेंचुअली उसका टैक्स ब्रैकेट कम आ गया था. और ये बहुत बड़ी डिबेट है यहाँ यूएस में भी कि भाई अमीर लोग तो टैक्स ही नहीं देते और गरीब लोगों पर पूरे कंप्लायंस आती है. वो इंडिया को भी देखना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को देखना पड़ेगा. और ये कैपिटलिज्म का है, उसको हमको इंप्रूव करना पड़ेगा एंड उसको फिर अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको इंडियनाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. आपने यहाँ पे इनोवेशन की बात की, प्रिंटिंग प्रेस की बात की, तो इनोवेशन एज एन अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं कर सकते. ऐसा कहा जाता है जहांगीर का टाइम था या जहांगीर के वक्त की बात है, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस लाना चाह रहे थे. यूरोपियन मर्केंटाइल्स जो आए थे वो कहे थे कि हम यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आएंगे. बट इट वॉज अगेन कॉल्ड, इससे क्या प्रिंट करोगे, तो कहा कि हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, कुरान वगैरह प्रिंट करेंगे.
और उस वक्त कहा कि नहीं नहीं दिस विल बी अ शिर्क, ये नहीं होने देंगे हम। और उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से इंडिया में भी बाकी इनोवेशन भी स्टाइफल होते गए। एंड अगर हम बात करें यूरोप की ही, आपने प्रिंटिंग प्रेस का ही एग्जाम्पल दिया, तो उसी से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी आई है आज के टाइम में, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखें यूरोप में, ये आया है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटेस्टेंट जो यूके के साइड गए, वहां पे वो फ्लरिश किए, क्योंकि प्रोटेस्टेंट डेवलप तब हो पाया जब वो बाइबल अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर पाए। और वो बाइबल कैसे इंटरप्रेट कर पाए, क्योंकि एक बाइबल आम आदमी तक लैटिन के जगह अंग्रेजी तक पहुंचना शुरू किया, दैट वॉज बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो सोसाइटी को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है इनोवेशन, जो आप कहना चाह रहे हैं। और इसी में अगर हम इंडिया की बात करें, तो इनोवेशन की बात करें, तो हम भी ये बात समझ रहे हैं कि इस बार वी कैनॉट मिस दी बस, इस बार हम प्रिंटिंग प्रेस को मना नहीं कर सकते, वी हैव टू अडॉप्ट। तो इसमें इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है जो हमारे पास ऑलरेडी है, और एट द सेम टाइम क्या वीकनेसेस हैं, क्योंकि आईआर 4.0 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ला रही हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भी वी वर लगार्ड्स, हमने मिस किया है, लेकिन इस बार वी कैनॉट अफोर्ड टू मिस दी बस। इस बार हमारे पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जिनको हमें वो जंप दिलवाना है। तो क्या करना चाहिए, क्या है हमारे स्ट्रेंथ और क्या हमें करना है? या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आई थिंक स्ट्रेंथ में मैं इस बात पे सोच रहा था, मैं जो कि यूएस में भी काम किया है टेक्नोलॉजी कंपनीज में, इंडिया में भी काम किया है, जो मैं सबसे बड़ा स्ट्रेंथ देखता हूँ हमारा, इट इज द फैक्ट दैट वी हैव अ ह्यूज स्किल्ड लेबर। दिस इज अवर सुपर पावर इन ह्यूमन कैपिटल, आई हैव टू से। और अगर आप देखोगे कि जो आदमी यूएस इंडिया से इंजीनियरिंग या इंडिया से कंप्यूटर साइंस पढ़ के जा रहा है, अब आप देखिए यूएस में उसका क्या सक्सेस है। मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पालो आल्टो, आईबीएम, शनेल, लग्जरी ब्रांड शनेल, स्टारबक्स, इसकी कॉफी ब्रांड चेन्स है, मास्टर कार्ड, डेटॉल, रैकेट बैंकाइजर, सबके सीईओज अब इंडियन ऑरिजन के लोग हैं। तो ये तो मैं आपको सीईओज के नाम बता रहा हूं, बट आप सोच सकते हो कि पिरामिड है, बहुत सारी स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे इंडिया के पास। ये तो मैं सीईओ के नाम बोल रहा हूं, बट आप सोचो कितनी बड़ी वर्कफोर्स है जो इज कॉम्पिटेंट इन दिस फील्ड। और अगर आप देखोगे कि दिस कंप्लीटली अलाइंस विद पूरे वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स हैं, विच इज एसेंशियली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक स्किल्ड लेबर इज आवर सुपर पावर टू सम एक्सटेंट, वी हैव बीन एबल टू कैपिटलाइज। अगर आप देखो जो भी इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस ने जो पूरा एक मार्केट खोला आईटी ऑफशोर का, वो इसी की वजह से हुआ। एंड आई थिंक इसको और आगे लेके जाना है, उस पर थोड़ा और भी हम चर्चा कर सकते हैं, बट ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। दूसरा है डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया लाइक बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट डोमेस्टिक मार्केट, डिस्पोजेबल इनकम्स आर राइजिंग, तो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम लोग भी चल रहे हैं, और दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस एंड इनोवेटिव प्रोसेसेस, इनोवेटिव कंपनीज टू कम अप। एंड थर्डली इससे टाइड अप है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट है विच सेज बेसिकली कि अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन इज बेसिकली द पॉपुलेशन विच स्टार्ट्स एंटरिंग द वर्कफोर्स, इस वर्कफोर्स के पास बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं कंजम्पशन की, और इसके पास डिस्पोजेबल इनकम भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर मैं कंपेयर करूं यूरोपियन कंट्रीज से या इवन यूएस से, जहां अब एजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अब रिटायरमेंट की तरफ आ रही है, इन लोगों के पास सेविंग नहीं है, पेंशन की प्रॉब्लम है, दे एक्सपेक्ट यंग वर्कफोर्स टू पे टैक्सेस सो दैट हेल्थ केयर फॉर दिस रिटायरिंग पॉपुलेशन कैन बी सब्सिडाइज, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के पास बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक वी आर डेफिनेटली सेट वेरी करेक्टली, हमारा सेटअप बिल्कुल करेक्ट है टू बी एबल टू लेवरेज। तो मैं कहूंगा ये चार या पांच हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स इस समय है। राइट तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे हम यूएस एंड चाइना के साथ कॉम्पीट भी तो कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, तो इसमें पार्टनरशिप भी जरूरत है, और कुछ जगह पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भी होगा। तो इसमें क्या ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए, और इंडिया कैसे इस इनोवेशन में वो जो शूज हैं, बहुत बड़े शूज हैं, इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? हाँ, तो इसके दो तीन पर्सपेक्टिव्स हैं। तो एक पर्सपेक्टिव
ये है कि हमको ये सोचना चाहिए, जनरली अगर मैं देखूं कि इनोवेशन कैसे हुआ है, इनोवेशन हुआ है जब किसी पर्सन को या किसी किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग इनटू द हार्ट ऑफ कि हम किस तरह की इनोवेशन या किस तरह से अपना माइंडसेट बनाए एज इंडियंस टू गेट बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन। तो हमको ये सोचना है कि भाई हमारी क्या इस समय मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं प्रॉब्लम्स देखूं तो आई थिंक सम ऑफ आर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स राइट नाउ इज लैक ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन। एजुकेशन अगर है तो एडटेक इज अ वेरी पावरफुल फोर्स। आपके पास इंटरनेट है, अब आपको जरूरत नहीं है कि कोई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन में बच्चे जाएं। तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी आर एबल टू गिव एजुकेशन टू एवरीवन यूजिंग टेक्नोलॉजी। दूसरे जो बहुत बड़े प्रॉब्लम इस समय हमारे हैं कि हंगर, वाटर प्रॉब्लम्स, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट, इसको हम टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे सॉल्व करें। और अगर आप देखो तो ईयू फॉर एग्जांपल काफी इन्वेस्ट कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन में। फ्यूजन हो चुका है, न्यूक्लियर रिएक्टर बन चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। फ्यूजन इज अ सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। एंड आई थिंक इंडिया ऑल्सो नीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एपेटाइट है, हमारे पास मार्केट भी है, इस तरह की प्रॉब्लम को अब हम कैसे सॉल्व करें। हेल्थ केयर इज अ बिग प्रॉब्लम इवन इन यूएस। और हेल्थ केयर में यूएस में भी अब AI ML बेस्ड कंपनीज आने लग गई हैं, जो बेसिकली आपके पास्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे, एक्सरे में क्या आया था, आपके क्या मेडिकल टेस्ट हुए थे, उसके बेसिस पे दे स्टार्ट प्रेडिक्टिंग कि भाई ये बंदा इस तरह की बीमारी के लिए प्रोन है, इसको आप इस तरह की मेडिसिन देना चालू कर दो। तो एंड आई थिंक इंडिया भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारा इनोवेशन कर सकते हो। दो तीन और इंडस्ट्री के नाम लेना चाहूंगा। हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे ग्लोब के प्रॉब्लम है, यूएस में भी बहुत प्रॉब्लम है, लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मटेरियल साइंसेस में हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम हाउसिंग को चीप बना सकते हैं सो दैट हाउसिंग बिकम्स अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। एंड देन फाइनली आई थिंक फाइनेंशियल इंक्लूजन टू अ लार्ज एक्सटेंट मोदी गवर्नमेंट विद UPI हैज डन अ ट्रिमेंडसली गुड जॉब। एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच देयर, बट आई स्टिल वॉन्ट टू ब्रिंग दिस आउट कि कैसे टेक्नोलॉजी से हमने ये बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि बैंकिंग नहीं मिल रही, लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसको हमने एक सक्सेस स्टोरी बनाया। तो आई थिंक ये जो चार या पांच दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं, इसमें भी गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स नीड टू सिट डाउन एंड से कि हाँ हम कैसे अब लिंक करें। आई थिंक अभी थोड़ा सा हमारा हो गया है कि बैंगलोर जो हो गया है हमारा वो कि फूड डिलीवरी कैसे आसान करें, जो अर्बन लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम आसान करें, अमेजन फ्लिपकार्ट डिलीवरी करें। बट आई थिंक ये चार या पांच बड़ी चीजें हैं जो हम एज इंडियंस हैव टू थिंक अबाउट। तो आपने UPI की बात की, डेफिनेटली एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी रहा है जिसको हमने एम्ब्रेस बहुत ही किया। जबरदस्त इंडिया स्टैक है, सेट ऑफ ओपन APIs एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज है जो कि डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं, जो कि अब हम पब्लिकली अवेलेबल करवा रहे हैं बाकी देशों के लिए भी। UPI की बात करें तो फ्रांस, UK जैसे देशों ने कहा है कि इसको अडॉप्ट करने वाले हैं, जापान ने भी इंटरेस्ट शो किया है। तो सबसे पहले तो US और इंडिया में व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेमेंट्स क्या सिस्टम है, क्या आज भी वहाँ पे गार्ड्स चल रहे हैं या फिर वहाँ भी कुछ UPI जैसा सिस्टम आ गया है? एंड ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन प्लेस वेयर इंडिया इज प्रॉबली क्या दावे से कह सकता हूँ, इट इज द वर्ल्ड बेस्ट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पेमेंट बिजनेस। US में अभी भी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, प्लास्टिक मतलब वॉलेट में आप चार कार्ड लेके घूमो अभी भी वो कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारी यानी कंपनी भी बहुत बड़ी हो गई है, मास्टर कार्ड और वीजा आर ग्लोबल प्लेयर्स एट दिस टाइम, इनके पास थोड़ी लॉबिंग पावर भी होती है। तो ये जो इंडिया ने जो कर दिखाया है कॉन्टेक्टलेस बेस पेमेंट, आप फोन से पेमेंट कर रहे हो, ये अभी भी यहाँ पे बिल्कुल बहुत लो पेनिट्रेशन है। कुछ कंपनीज आने का ट्राई किया, पेपैल ने ट्राई किया इस तरह की चीज लाने को। इनफैक्ट पेपैल वॉज आई वुड से वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू ब्रिंग डिजिटल पेमेंट्स, बट वो मेन स्ट्रीम कभी नहीं हो पाए। UPI ऑन दी अदर हैंड इज बिकम मेन स्ट्रीम, एंड आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि इंडिया ने इस स्टैक को बनाया और इसको ओपन मार्केट दे हैव एम्प्रेस्ड कि ये एक ओपन टेक्नोलॉजी होगी। और क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज सो गुड कि ऑलमोस्ट एवरी बैंक हैज बीन एबल टू इंटीग्रेट विद इट। और फिर एंड एज अ यूजर भी जब मैं उस चीज को यूज करता हूँ, इतना सीमलेस और इतना बेहतरीन है
कि आई थिंक दैट इज वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज सर्टनली रेवोल्यूशनाइज्ड आवर फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल्स. अब सवाल अगर ये आता है कि भाई इसको कैसे हम आगे लेके जाए, तो मैं इस पर सोच रहा था और इसका एक ही क्वेश्चन है कि ये कॉस्ट है भाई. डेटा हम एज इंडिया, हम इंडिया को ये प्रोवाइड, इंडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, तो गवर्नमेंट के लिए एक वेलफेयर है. बट अगर हम ये मालदीव्स को दे रहे हैं या श्रीलंका को दे रहे हैं, तो भाई उनके ट्रांजैक्शन का डेटा आ रहा है, उसको स्टोर करना है, तो ये कॉस्ट एक क्रिएट हो रही है. तो आई एम क्यूरियस कि गवर्नमेंट इस चीज को कैसे सोच रही है. इसके दो तरीके हैं और मेरा रिकमेंडेशन एक साइड का, बट इसके दो स्टाइल में गवर्नमेंट इसको सोच सकते हैं. या तो ये इसको ग्लोबली ओपन कर दे और बोले कि भाई ये हमारा ओपन कोड है, जिसको जो यूज करना है करे, और मार्केट इसको ले सकता है, और इसको हम टेक वर्ल्ड में बोलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी. दिस इज इंडिया फॉर सोसाइटल बेनिफिट. ओपन सोर्स है इसका, यूपीआई वगैरह ओपन सोर्स है. हाँ, तो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो है वो तो ओपन सोर्स कर दिया है, और वो बोल सकते हैं कि भाई ये पब्लिक वेलफेयर के लिए. तो इससे आई थिंक हमारा सिर्फ जो बेनिफिट है एज इंडिया इज प्योरली कि एक इमेज क्रिएट होती है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया उभरता है. दूसरा मैं सोच रहा था कि इसमें इसको कमर्शलाइज भी अगर करना है, सो दैट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्या हो सकता है. तो वन थिंग आई वॉज थिंकिंग वॉज कि आपने ओपन सोर्स तो दे दिया है, बट आई एम श्योर कि इन कंट्रीज को कुछ सर्विसेज की और एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत पड़ती होगी. सिस्टम्स जो है उसको मैनेज करने की कुछ तो उनको रिक्वायरमेंट होती होगी. तो कैन गवर्नमेंट आउटसोर्स दिस, मे बी दे टाई अप विद से एन इंफोसिस या विप्रो, और बोले कि भाई हम तुमको एक लाइसेंस पार्टनर बना रहे हैं, और तुम जाके ये मालदीव्स या श्रीलंका के जो स्टैक्स हैं, इनका जो डेटा सेंटर है, इनका जो भी ऑपरेशंस है, इसमें इनको तुम हेल्प करो, उससे थोड़ा सा हम रेवेन्यू या उसको एक बिजनेस की तरह भी रन कर सकते हैं. क्योंकि जब ये बिजनेस की तरह रन होगा, तब लोगों के पास इंसेंटिव आएगा कि अच्छा भाई ये हम पांच चीजें और अगर दे दें, ये कंट्री हमसे मांग रही है, इसको भी हम कमर्शलाइज करते हैं. तो उस माइंडसेट से अगर हम सोचने लगेंगे तो इनोवेशन का भी उसमें फ्लरिश होने लगेगा. तो हम एक कोर स्टैक ओपन सोर्स रख सकते हैं फॉर एवरीवन्स वेलफेयर, बट उसके आसपास जो एड ऑन सर्विसेज होती है उसको मे बी वी कैन टाई अप विद अ प्राइवेट पार्टनर एंड वी कैन लाइसेंस दिस होल थिंग मे बी. और ये बहुत प्रिडोमिनेंट बिजनेस मॉडल जो बोलते हैं हम, ये बिजनेस मॉडल है बेसिकली, ये बहुत प्रिडोमिनेंट बिजनेस मॉडल है. बहुत सारी एंटरप्राइज कंपनीज में इस तरह से ही फंक्शन होता है, जहां पे आप एक कोर प्रोडक्ट दे रहे हो और फिर उसका एक इकोसिस्टम मैनेज करने के लिए बहुत सारी कंपनीज उसको सपोर्ट कर रही है. एंड आई थिंक दैट इज द राइट वे टू गो. थोड़ा सा अगेन एज आई सेड, कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस करें, और उससे मुझे लगता है कि और इनोवेटिव आइडियाज सबके पास आएंगे. यहाँ पे भारत पे वगैरह जैसी कंपनी है जो कि यूपीआई बेस्ड पूरा इनका बिजनेस मॉडल है, कि जो जहां से भी दुकान है, जिसने दुकान में वो भारत पे का कोड लेके बैठा है, तो जब भी पेमेंट हो रहा है तो वो पूरा रिकॉर्ड मैनेज करते हैं, और उसके आधार पे उस दुकान को जो लेंडिंग नीड्स है वो फुलफिल की जाती है. तो जाहिर सी बात है इस प्रकार का बिजनेस मॉडल विदेश में भी डेवलप होगा ही. जब अगर QR कोड बेस्ड सिस्टम्स आएंगे तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज विल गेट अ हेड स्टार्ट एज वेल, कि वहां पर भी वो इस प्रकार के मॉडल्स को आगे लेकर के जाए. तो ये भी एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी होगी. तो यहाँ पर आपने UPI की बात की, बट UPI को जो एनेबल करता है वो है मोबाइल फोन, और उसमें भी मोबाइल फोन में एंड ऑफ द डे वो 3G 4G जो भी आजकल चल रहा है. पुराने जमाने में अलग जी हुआ करते थे, लेकिन अब बदलाव आया है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया 3G 4G तक फैन सेटर था, रादर हुआवे, ZTE, ये सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि BSNL, MTNL के भी कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही थी. तो मतलब सरकार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, और इतना ही नहीं, डायरेक्टली BSNL पर कहीं ना कहीं डेटा ब्रीचेस भी हुए थे इन्हीं के द्वारा, हुआवे ZTE के ही द्वारा. तो वल्नरेबिलिटी भी ऑफर करता था. 5G आने के बाद से अगर आप देखें तो अब जियो और TCS ने मिलके मेड इन इंडिया एंड टू एंड 4G 5G स्टैक भी बना दिया है, जो कि कह रहे हैं वो एक्सपोर्ट भी करेंगे. 6G आने वाला है, ऐसी बात चल रही है कि भाई इंडिया, जियो का ही कहना है कि वी विल बी अमंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड
इसको हम एनेबल करेंगे, ऐसा उनका कहना है। भारत सरकार भी कह रही है, अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत 6G अलायंस बनाया है जिसके अंतर्गत 200 पेटेंट्स भारत 6G अलायंस के पास हैं। बट अगेन ये नंबर सच्चाई तो बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रियलिटी है, और डेफिनेटली हेड स्टार्ट है, पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसके बारे में बताएं, ये है क्या, सबसे पहले 6G क्या होता है, ये कैसे मॉडर्नाइज करेगा, और इंडिया कहां पर है इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में? हाँ, ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है एक्चुअली। और इंटरनेट इज प्रॉब्ली द फ्यूल दैट विल पावर अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज। इनफैक्ट बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में तो अब तो इंटरनेट लोग बोल रहे हैं कि शुड बी मेड अ बेसिक ऑलमोस्ट अ बेसिक ह्यूमन राइट, कि भाई इंटरनेट तो बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट आई थिंक हैज डेफिनेटली रेवोल्यूशनाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये 6G क्या है, 5G क्या है। तो मैं टेक्निकल डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं रीड कर रहा था कि 6G के क्या है, उस तरह के क्या किस तरह के बेनिफिट्स हैं, ये सब इटरेशंस हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है विच इज कि हम वायरलेस बिना तार के हम कैसे इंटरनेट भेज सकते हैं, 1G 2G 3G जो भी बोले, 4G 5G, बेसिकली ये इटरेशंस हैं। और इस हर एक नए इटरेशन पे कुछ एडिट फीचर्स हैं या कुछ एडिट एडवांटेजेस हैं। तो क्या है, सबसे तीन जो सबसे बड़े एडवांटेज हैं वो ये है कि 6G की स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू 5G। तो 5G की एक लिमिट है, सपोज 1000 Mbps है, 6G बोल रहे हैं कि इट विल बी 1000 times फास्टर। तो ऑब्वियसली 6G, अगर आपके पास 6G फोन है या अगर आप 6G यूज कर रहे हो, तो आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगी। पर एक और यहाँ पे व्यूअर्स इंटरप्ट करूंगा, एक लेमैन के लिए मुझे करना क्या है 1000 Gbps का, मैं तो मेरे लिए तो 100 Mbps भी बहुत होता है, तो मैं मतलब वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो बहुत सारे इसके कुछ ना कुछ यूज केस होने वाले हैं जो कि इस वक्त मैं फोर्सी नहीं कर पा रहा, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे हमारे व्यूअर्स भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो उनको बताएं कि कैसे ये IoT वगैरह जब आएगा, सेंसर बेस्ड हर चीज में इंटरनेट होगा, तब वो कैसे बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फ्रॉम द स्पीड पर्सपेक्टिव मुझे लगता है नेटफ्लिक्स एंड चिल आजकल जो एक चल गया है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी आप मैक्सिमम स्पीड में जो इंटरनेट जब आप कंज्यूम करते हैं डेटा को, तो वो तो 100 Mbps भी बहुत है। तो फिर क्या है 6G में ऐसा? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो बेसिकली 6G, एज यू राइटली सेड, इसको अब थोड़ा स्ट्रक्चर करते, थोड़ा ब्रेक करते हैं कि कंज्यूमर के क्या यूज केसेस हैं और कंपनीज या बिजनेसेस के क्या यूज केस हैं। और मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बिजनेसेस के ज्यादा यूज केसेस हैं, कंज्यूमर के लिए मैं इतना कुछ बहुत एडवांटेज नहीं देख रहा हूँ। सेम हुआ था 5G जब आया था, 5G बोला बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। वेल 4G पे भी आप वीडियोस बफर कर पाते थे फोन पे, तो कुछ बहुत बेनिफिट तो ऐसे नहीं हुआ कंज्यूमर के लिए। बट क्या है यूज केसेस या क्यों बन रहा है 6G? तो 6G का मैंने एक बोला स्पीड बहुत फास्ट है, दूसरा बहुत है लेटेंसी बहुत लो है। तो जब मैं लेटेंसी बोलता हूँ, जिस मशीन के पास ये 6G है, तो अब आप फोन भूल जाइए, इट कुड बी एनी IoT डिवाइस एज यू सेड, उसको कम्युनिकेट करने में सर्वर से कितना टाइम लग रहा है, वो बहुत लो होने वाला है। तो ये जो दो चीजें हैं, इससे कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऑटोनोमस व्हीकल क्या है कि कार विदाउट अ ड्राइवर जब चलती है, तो इट इज टेकिंग इन अ लॉट ऑफ डेटा, पूरे उसको एनवायरमेंट का वो डेटा रीड कर रहा है कि पेडेस्ट्रियन कहाँ है, रोड कहाँ है, राइट कहाँ लेना है, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ है, और वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करके रिले कर रहा है सर्वर को, और उससे पूछ रहा है कि भाई इस पे अब मुझको एक्शन कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पीड और लेटेंसी। तो ऑटोनोमस व्हीकल को ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ऑटोनोमस व्हीकल की जो फीजिबिलिटी है, मतलब अभी तक हम बोल रहे थे कि नहीं, ये शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कमर्शलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो 6G विल बेसिकली स्टार्ट पावरिंग दिस। AR, VR जो वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसमें भी लोग बोल रहे हैं कि इसके यूज केसेस या इसका, चूंकि ये स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेसिकली इंप्रूव हो गया है, इसकी बेस्ड एप्लीकेशंस इंप्रूव होने वाली है। एंड सिमिलरली फॉर IoT,
आईओटी में भी दो तीन प्रकार के आईओटी डिवाइसेस होते हैं। कुछ आईओटी सेंसर होते हैं जिनको बहुत कम बैंडविड्थ चाहिए होती है। बेसिक सेंसर है कि पाइपलाइन में फट गई पाइपलाइन तो ये एक सिग्नल भेज देती है कुछ, बट जगह पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम रिले करना पड़ता है। सपोज कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उनका कोई ट्रक चल रहा है और उनको रिले करनी है कुछ इंफॉर्मेशन। तो ये मुझको जहां तक समझ में आ रहा है 6G के ये जो बेनिफिट्स हैं ये प्राइमरीली एक्चुअली इन सब इकोनॉमीज में होने वाले हैं जहां ये सबका प्रचलन है। एंड वो है बेसिकली US, जहां पे ऑटोनोमस व्हीकल लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ला की ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में, टैक्सी सर्विसेज आ रही हैं, तो इन लोगों को इस चीज का फायदा होने वाला है। अब सवाल हो जाता है इंडिया को क्या फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया को दो फायदे हैं इसमें। एक तो ये है कि नाउ एज यू मेंशन जियो एयरटेल इन कंपनीज ने एक इतनी मसल क्रिएट कर ली है दैट दे विल बी एबल टू क्रिएट दीज एप्लीकेशंस फॉर दीज कंपनीज। तो मुझको लगता है एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है वेयर जियो विल प्रोबेबली बिकम द सप्लायर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू ऑल दीज कंट्रीज। EU में जैसे कोई कंपनी बोलेगी कि भाई हमारे पास भी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास टेक कैपेबिलिटी तो नहीं है, कौन सॉल्व कर सकता है, तो जियो कह सकता है कि भाई हमने एक सोल्यूशन बनाया है इसको सॉल्व करने के लिए। और ये बहुत सारी ये एंटरप्राइज बिजनेस B2B जो बोलते हैं उस साइड पे इस तरह की बहुत एक्टिविटीज होती है। दूसरा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडियन सोसाइटी पे वो ये है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी नया आईफोन मॉडल आता है तो पुराने वाले मॉडल्स की प्राइस गिरने लगती है। तो आई थिंक जियो अगर 6G लाने वाला है 5G 4G की प्राइसेस गिरेंगी, एंड 5G 4G की जब प्राइसेस गिरेंगी तो कॉमन कंज्यूमर के लिए इंटरनेट की प्राइसेस और लो होंगी। इंटरनेट प्राइसेस और जब जैसे ही लो होंगी तो इंटरनेट की सर्विसेज का कंजम्पशन और इंक्रीज होगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। मैं कुछ फैक्ट्स भी देख रहा था कि हमारी कितनी पेनिट्रेशन है आधार की, हमारी कितनी पेनिट्रेशन है जोमैटो की, OTT सब्सक्राइबर, डिजिटल लर्निंग, इन सबको बूस्ट मिलने वाले हैं। तो आई थिंक दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस कि 6G का कॉमन कंज्यूमर पे मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट आने वाला है कि सर्विसेज की प्राइस गिरेगी, पूरी कंट्री को पूरी इकोनॉमी को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा, ई कॉमर्स ये सब सर्विसेज को और अडॉप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल बना हुआ है तो शायद 6G के बाद ऑफिस जाने की जरूरत खत्म हो जाए, सब कुछ आपका बैठे बैठे ही एक VR सेट लगा के सब कुछ बना होगा, वहीं से बैठ के आप घर से बैठ के ही करेंगे, रियल टाइम मीटिंग भी होगी जिस प्रकार से वो आजकल क्या कहते हैं उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बने रहते हैं, जो सिमुलेटेड वर्ल्ड जैसी आधी दुनिया बनी चुकी है कुछ उसी में होगा। फेसबुक बना रहा है मेटावर्स, तो इन लोगों के बहुत इंसेंटिव्स हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने में। मेटावर्स एक दूसरा टॉपिक है, हम लोग इसको एक अलग से चर्चा कर सकते हैं। मेरा उतना फेवरेबल व्यू नहीं है मेटावर्स का, बट डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम इज अ बिग पावर। अब हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप और मैं साथ समुद्र पा रहे, बट इस आपके चीज तो पे चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि आप तो यही थोड़ा अलग कंपेटिटर है, बट या तो इसी में डिसरप्शंस की बात कर रहे हैं, मेटावर्स इज डेफिनेटली अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसी में अगर हम चैट GPT बार्ड जैसे अलग अलग AI असिस्टेंट्स आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डिसरप्शन है जो ऑलरेडी आ चुका है, पहली बात तो ये है। लेकिन जब भी सोसाइटी इकोनॉमी डिसरप्ट होती है तो इसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं शॉर्ट रन में, डेफिनेटली लॉन्ग रन में डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव की तरफ स्पिन हो जाता है, लेकिन शॉर्ट रन में नेगेटिव्स होते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सो कॉल्ड AI असिस्टेंट्स को, फ्यूचर ये कैसे चेंज कर रहे हैं? हाँ, ये चैट जीपीटी का एक्चुअली एक बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, विच इज बेसिकली, तो मैं थोड़ा सा अगेन बैकग्राउंड लेता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली चैट जीपीटी। तो हमारे पास अभी तक जब कोई प्रोग्रामर या जब कोई सॉफ्टवेयर कोई लिखता था तो ह्यूमन एक पूरा रूल सेट देता था, बोलता था कि अच्छा अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे सॉफ्टवेयर को रिएक्ट करना है। चैट में भी ऐसे ही बने थे एप्लीकेशंस कि भाई अगर इस तरह का किसी ने क्वेश्चन पूछा, इस तरह के अगर कीवर्ड मिल गए, वो पूछ रहा है एक कस्टमर जोमैटो सपोज एग्जांपल लेता हूँ, कॉल किया उसने क्वेश्चन, अगर वो बोल रहा है डिलीवरी लेट हुई मेरी, तो भाई तुमको इस तरह से रिएक्ट करना है। जब AI ML बेस्ड एप्लीकेशन आने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग,
तो क्या होने लगा कि प्रोग्रामर को इस तरह के रूल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन को आप खूब सारे इस तरह का डेटा दो एंड देन इट स्टार्ट्स टू ऑटोमेटिकली फिगर आउट पैटर्न्स। तो अब आपको ये रूल बेस्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो AI ML बेस्ड चैट एप्लीकेशंस मार्केट में थे। चैट GPT क्यों इतना फेमस बना? चैट GPT फेमस इसलिए बना बिकॉज ऑफ टू की रीजंस। ए, इट इज ट्रेन्ड ऑन द इंटायर इंटरनेट, तो उसके पास जो नॉलेज है या उसने सारा जो इंटरनेट में है डेटा, ऑलमोस्ट सारे जो पब्लिक सोर्सेज में अवेलेबल है, उसने सारा रीड कर रखा है और उसके बेसिस पे अपनी अपनी इंफरेंसेस बनाई है। दूसरा ये कि जब इसका आउटपुट आने लगा तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स भी उस आउटपुट को रीड करके ये नहीं बता पाए कि ये मशीन ने लिखा है या किसी ह्यूमन एक्सपर्ट ने लिखा है। एंड दैट वॉज अ पिवोटल मोमेंट इन ऑल दीज चैट बेस्ड एप्लीकेशंस, बिकॉज ऐसा अभी तक लाइफ टाइम में हुआ नहीं था। वी वर ऑलवेज एबल टू डिटेक्ट कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ग्रामर इसकी गलत है, टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, ये ह्यूमन ने, ये किसी मशीन ने लिखा है, ह्यूमन ने नहीं लिखा। तो चैट GPT इसलिए फेमस हुआ। मुझे लगता है कि इसकी बहुत सारी, दिस विल डेफिनेटली हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, उससे भी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML बेस्ड चीजों का होगा। बट चैट GPT अगर मैं स्पेसिफिकली अगर देखूं तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होगा। जब चैट GPT रिलीज हुआ तो यहाँ पे बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक बेस्ड या होमवर्क कराने वाली कंपनीज थी, जहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स आके चेक करके कंपनी है, स्टूडेंट्स आके पूरा ऐसे का कुछ उनको असाइनमेंट मिला है तो वो टाइप करके थोड़ी हेल्प ले सकते थे ट्यूटर से, पूरी इंडस्ट्रीज अब वाइप आउट हो गई है। मार्केट कैप रफली 80 to 90% गिर गया है। चेक के सीईओ ने बोला है कि दिस विल प्रोबेबली मेक अस बैंकरप्ट। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का बहुत सारा रेवेन्यू IT सर्विसेज में BPOs के थ्रू आता है, IT BPOs के थ्रू, ये थ्रेट में है। दीज कैन टोटली बी डिसरप्टेड। ये US बेस्ड कंपनीज बोल सकते हैं कि भाई हमको अब ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है, हम तो एक चैट GPT बेस्ड सोल्यूशन लगा रहे हैं, वो पूरा कस्टमर सर्विस, पूरा कस्टमर सपोर्ट संभालेगा। तो आई थिंक इंडिया के पर्सपेक्टिव से दैट इंडस्ट्री इज वेरी वल्नरेबल। अब इसको दो तरीके हैं सोचने के, या तो हम प्रोटेक्शनिस्ट टाइप मेंटेलिटी में चले जाए, जो आप बोल रहे थे कि शॉर्ट टर्म रिएक्ट हो कि नहीं, इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे। दूसरा हो सकता है हम बोले कि नहीं, एम्ब्रेस करेंगे बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आई थिंक दैट इज द अप्रोच वी हैव टू टेक। आई थिंक ऑल दीज कंपनीज, दे ऑलरेडी आर प्रॉब्ली अवेयर ऑफ चैट GPT, बट दे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि अब इस नए वर्ल्ड में हम इस चीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड इट कुड बी कि भाई हम सपोर्ट स्टाफ एज ह्यूमंस नहीं लगाएंगे, बट हम इस एप्लीकेशन वाले बिजनेस में हम भी घुस जाते हैं, हम इन एप्लीकेशंस को और बेटर बनाएंगे सो दैट वी डोंट नीड टू, सो दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डोंट गो अवे फ्रॉम अस एंड वी आर एबल टू एड वैल्यू बैक टू द बिजनेस। तो आई थिंक इस माइंडसेट से हमको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। चेंज ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में इज वेरी पेनफुल, बहुत लोग की जॉब्स इस तरह से जब बड़े रेवोल्यूशन आते हैं तो डिसरप्ट होती हैं, बट आई थिंक द राइट वे इज टू थिंक कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट हो रही है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होने वाली है और हमारे पास टैलेंट है एज आई सेड, तो वी जस्ट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि हम इस टैलेंट को कैसे इंश्योर करें कि अपस्किल करके कैसे इस नई इंडस्ट्रीज में ये टैलेंट को हम लेके जा पाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस एंगल से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये नई वेव्स आ रही है, कैसे हम अपस्किल करें टैलेंट को। तो दिस इज गोइंग टू बी मतलब काइंड ऑफ चैलेंजिंग कह सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली हैं। जब भी ये आप टेक्नोलॉजी इनोवेशन में स्केल अप करते हैं, एक स्टेज ऊपर जाते हैं, तो आपका जो इकोनमी है वो पर कैपिटा टर्म्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनमी है, अगर वो एग्रीकल्चरल बेस्ड एग्रो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो $1 बिलियन कंपनी अगर होगी, मान लीजिए सिंपल बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती होगी। लेकिन वहीं अगर आप एक हाई एंड चैट GPT टाइप कोई कंपनी है जो उस टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, शायद वो $100 बिलियन का बिजनेस कर जाएगी और उसके पास केवल 100 इंजीनियर होंगे। तो पर कैपिटा आप पर इंजीनियर देखें तो $1 बिलियन का बिजनेस वो कर रही है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार का अगर लीप ऑफ इनोवेशन हो रहा है
तो कहीं ना कहीं नेगेटिव्स भी शॉर्ट रन में होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर सिनारियो क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो इसमें इंडिया में अगर हम इंजीनियर्स की बात करें, हमारा जो आईटी सेक्टर है, जैसे आपने बीपीओ के बारे में बताया, केपीओ के बारे में बताया, वो प्रॉब्लम में कुछ जाते हुए दिख रहे हैं, वैसे आईटी सेक्टर को आप कैसे फोर्सी करते हैं जो प्रॉपर कोडिंग कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं? और इन सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं विप्रो, इन्फोसिस जो सर्विस बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे इम्पैक्टेड होंगे? That is a very good question, and I think I don't see these. मतलब I see this as an opportunity, and I think ये जो companies हैं हमारी strength हैं, they are a reflection of our human capital, and the fact कि हम पूरी global economy को service कर सकते हैं, and you know business world में हम एक word use करते हैं value chain. तो अगर आप इसका simple example ये कि भाई, और आपने थोड़ा उसको touched upon that concept. Which is basically कि कोई अगर सपोज मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ चीज कोई बिस्किट जैसे बनाना है, तो भाई बिस्किट के लिए कुछ रॉ मटेरियल होगा, गेहूं होगा, वो गेहूं कहीं से सोर्स होगा, वो गेहूं कहीं जाके किसी फैक्ट्री में जाएगा, उसका कुछ एसिमिलेशन होगा, मिक्सचर होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास फाइनली एंड यूजर के पास पैकेज में आता है. तो ये पूरी वैल्यू चेन है स्टार्ट से एंड तक. अब टेक में इंफोसिस कहाँ पे प्लेस्ड है पूरी वैल्यू चेन में? तो टेक में बेसिकली इस टाइम पे जब हम बोलते हैं कि केपीओ है या बीपीओ है, तो बेसिकली जो कोर फंक्शंस हैं किसी कंपनी के, जो यूएस या ईयू में कंपनी कोई बैठी हुई है, कोर फंक्शन तो उनके कहीं उधर ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, बट कुछ जो लोअर वैल्यू चीजें हैं जिसकी उतनी आप रेवेन्यू नहीं मांग सकते, विच आर कंसिडर्ड एज लोअर इन द वैल्यू चेन. जो मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल में बोलूंगा, स्टार्टिंग में जो आप गेहूं ले रहे हो, प्रॉब्ली 10 रुपए किलो का अगर आप गेहूं ले रहे हो, बिस्किट आप 10 रुपए पैकेट बेच रहे हो, तो एक फर्क आ रहा है वैल्यू में, क्योंकि उसमें एडिशन हो रहे हैं. तो वैसे ही हम थोड़ा कम वैल्यू एड में ऐसी चीजों में इस समय इंफोसिस और ये कंपनीज है विच आर नॉट इन दोज वैल्यू एडेड बिजनेसेस, एंड दे नीड टू रियली स्टार्ट थिंकिंग कि वो अब एरा जाने वाला है. अभी तक ये लोग पैसे कमा रहे थे, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, काफी कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप किए, रिलेशनशिप्स क्रिएट किए, बट अब वो दौर धीरे धीरे जाने वाला है जहां पे ह्यूमन कोई आदमी ये बेसिक कोडिंग करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी बेस्ड सिस्टम्स आ गए हैं जो सिंपल कोड्स अपने आप लिखने लगते हैं. आप सिंपल वेबसाइट अगर बनानी है, आप चैट जीपीटी के पास जाओ, बोलो कि मुझको HTML में सिंपल एक वेबसाइट हेलो वर्ल्ड बना के दो, और वो बिल्कुल सही कोड लिख के देगा. तो सॉफ्टवेयर भी थोड़ा डिस्टर्ब होने लगेगा. तो दीज कंपनीज नीड टू रियली थिंक कि अब एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूचर क्या है, और उन एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूचर में हम अपनी वर्कफोर्स को कैसे ट्रेन करें, और किस कैसे ट्रेन करें सो दैट दे कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दोज एप्लीकेशंस. तो एंड दैट विल डायरेक्टली ट्रांसलेट टू कि हम AI ML में कैसे स्ट्रेंथ क्रिएट करें, एंड दिस हैज टू ऑल्सो बी सप्लीमेंटेड विद यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, कॉलेजेस ऑफ इंडिया. अगर मैं US से कंपेरिजन करूँ तो US हैज ऑलवेज बिन वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप्स. गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स दिखती थी, सिंपल एग्जाम्पल्स है मैनहट्टन बॉम्ब प्रोजेक्ट, उन्होंने बोला हमको जीतना है वॉर में, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी से जाके बात करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सिमिलरली आई थिंक गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज एंड these public institutions have to come together and say कि भाई ये अब एक बड़ा threat होने वाला है हमारी पूरी ये industry. By the way, IT services is roughly 8% of India's GDP. अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो actually कम होने लगेगा, which is not the right direction. These three entities need to come together and really start focusing on कि AI ML अगर future है technology में, कैसे हम अपनी workforce को better करें इन चीजों में. And if you are able to do that, we can definitely bridge this gap. और बहुत डिमांड है स्किल्ड वर्कर्स की, पूरी कंट्री पूरे ग्लोब में इसकी शॉर्टेज है, एंड आई थिंक इंडिया इज वेल पॉइज्ड टू बी एबल टू सर्विस दिस बिग गैप इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. तो अगला सवाल भी मेरा यही था कि जैसे आपने खुद ही जवाब में ही दे दिया उसको, कि जैसे US में DARPA है जो कि इंश्योर करता है कि जितने भी ये सारे यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स किए जाए सो दैट हाई एंड इनोवेशन, हाई एंड टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए.
तो इसके लिए इंडिया को भी कुछ करना चाहिए, एक अपना इंडिजिनस वर्जन ऑफ डार्पा कुछ होना चाहिए जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स को यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करना शुरू करे। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज की क्या कॉम्पिटेंस वैसी रह गई है? अगर आप बात करते हैं हमारे IITs की ही, तो उसमें भी अगर आप इंजीनियर्स को देखें तो कंसल्टिंग रोल में वो जाते हैं, बहुत कम ही है जो कोर टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है दे आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट इंजीनियर्स दैट इंडिया प्रोड्यूसेस। US में भी बहुत वैल्यू किया जाता है उनको, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो आप MIT और IIT, IIT मद्रास से IIT बॉम्बे ले लेते हैं, सो दैट वी कैन कुछ सिमिलर चीज़ों को कंपेयर कर सकें। तो क्या MIT वगैरह में भी ऐसा ही होता है, इंजीनियर्स कंसल्टिंग रोल में जाते हैं भर भर के, या फिर वहां पे वो कोर इंजीनियरिंग को अंजाम दे रहे होते हैं? तो हाँ, अगेन अगर अगर मैं US यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं और बहुत सारे अप्लाइड साइड के भी होते हैं। व्हेन आई से अप्लाइड आई बेसिकली मीन कि पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर साइंस में भी आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर साइंस का एक थ्योरेटिकल पोर्शन है विच इज इनटू रिसर्च, कैसे नए हम एल्गोरिदम्स, कैसे नए हम चीजें क्रिएट करें कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में, और वैसे ही एक अप्लाइड साइंस पोर्शन भी है। एंड दीज यूनिवर्सिटीज हैव अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक स्ट्रेंथ कहाँ पे US की मुझे जो दिखती है, और मेरी बाय द वे मैं काफी लोगों से यहाँ काम करता हूँ जो PhDs हैं, PhD करके यहाँ पे आए हैं मेरी कंपनी में, और अप्लाइड रिसर्च वाले लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिनेंशियल इंजीनियरिंग। तो उन लोगों से भी जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो कुछ चीजें काफी क्लियर हो जाती है। एक तो ये कि टैलेंट की एज सच कोई डिस्पैरिटी नहीं है। अगर IIT में कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है या कोई PhD रिसर्च है तो उसकी कैपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच सेम कैपेबिलिटी है। तो अब आउटपुट में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्यों एक MIT या ये US की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड एंड वॉटन एंड स्टैनफोर्ड ऑफ द वर्ल्ड, उनके इतने आउटपुट क्यों हमको ऐसे हाई लगते हैं व्हाइल इंडिया के नहीं लगते हैं? एंड आई थिंक इट हैज टू अनफॉर्चुनेटली बॉइल डाउन टू कि हम कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जब रिसर्च हाई क्वालिटी की होने लगती है, जब रिसर्च की हाई स्पेंडिंग होने लगती है और आप थ्योरेटिकल पे बहुत फोकस करने लगते हैं, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद उसकी एप्लीकेशंस दिखने लगती हैं। तो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली निकल के आता है इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की रिसर्च 70s में स्टार्ट हुई थी MIT एंड स्टैनफोर्ड ऑफ द वर्ल्ड में। 1970s में लोगों ने एनविजन किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मशीन्स को कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो सबसे बेसिक प्रिमिटिव जो मॉडल्स बोलते हैं, बेजियन बेस्ड एल्गोरिथम्स एटसेट्रा, वो उस टाइम पे फॉर्मुलेट या उस टाइम पे थियोराइज हुई थी। अब एप्लीकेशन आ जा रहा है 30 या 40 साल बाद, तो एक वो जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोल जो एक गेम है, पर US की सोसाइटी में भी इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। रिस्क टेकिंग इज अप्रिशिएटेड, एंटरप्रेन्योरशिप इज एनकरेज्ड, एंड अगर आप किसी फील्ड में एकदम जुटे हुए हो कि भाई मुझको तो इसी में करना है, तो उसको कोई मना नहीं करता है कि भाई इसमें तो तेरा क्या पैकेज तो लगने नहीं वाला है। तो उस तरह की डिस्कशन यहाँ कम होती है। तो एक वो एनवायरमेंट का भी है, बट आई थिंक मोर देन दैट एनवायरमेंट इट्स द फैक्ट दैट पीपल हैव दैट फोरसाइट कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन चीजों पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको एक दिन फ्रूट्स इसके नजर आएंगे। मैं इंडिया में इसका सबसे आई थिंक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है स्पेस टेक्नोलॉजी का, लाइक इसरो। एंड इसरो का अगर आप ग्राफ देखें, इसरो की अगर हिस्ट्री देखें, आई थिंक इसरो इज वन ऑफ दोज फिनोमिनल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे हैव आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दीज टर्बुलेंसेस। बहुत उनको क्रिटिसिज्म हुआ, बट दे स्टक टू सम ऑफ दीज लॉन्ग टर्म बेट्स, विक्रम साराभाई और ये लोग जो विजनरीज थे, एंड वी हैव स्टार्टेड टू सी द फ्रूट्स नाउ। एंड नाउ इट इज अ मैटर ऑफ कि बेस एक बार जब सेट हो जाता है, एक कल्चर और एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं, फिर आउटपुट्स भी दिखने लगते हैं। तो आई थिंक दैट इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस होल थिंग। IITs में रिसर्च स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू टेक वेरी लॉन्ग टर्म बेट्स। और इंडस्ट्रीज हैं,
बायोटेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन एज आई मेंशन्ड, लाइक एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें चाइना इफ यू लुक एट, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. और इसका एक एग्जांपल है, जब चाइना में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही थी तो दे स्टार्टेड वर्किंग विद देयर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और अब उनके वो कुछ टावर जैसे आ गए जो विच क्लीन द एयर ऑफ द सिटी, एंड दिल्ली गवर्नमेंट इज नाउ इंपोर्टिंग देम. हमको भी इस तरह की फोरसाइट लेनी होगी, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च स्पेंडिंग को एनकरेज करना होगा, एंड वी हैव टू वेट थोड़ा सा 10-20 इयर्स वेट करना होगा, तब इसके आउटपुट मिलेंगे. तो आई थिंक दैट इज दैट एक्स फैक्टर व्हिच मेक्स द डिफरेंस. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन एक इकोसिस्टम का आउटपुट है. जैसे हम गूगल की बात करें तो गूगल अगर आप देखें तो इट वॉज आउटकम ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, फिर उसको गवर्नमेंट ने फॉस्टर किया तो वो गूगल कंपनी बन पाई, और जब गूगल कंपनी बनी तो वो 20 साल के अंदर अगर आप देखें तो वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में एक लीडिंग कंपनी बन के दुनिया की उभरी. तो ये एक पूरा का पूरा एक चेन है जिसमें हमको इस वक्त सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो कि स्टेज वन है, जिसमें हमें हैंड होल्डिंग करनी होगी. बट अगेन IIT इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हजारों हजार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो बाकी का हम क्या करें, वो कैसे आने वाले दिनों में जब सॉफ्टवेयर ड्रिवन रूल्स कम होते जाएंगे, जब क्या मालूम कैसे इकोनॉमी रहेगी. तो इसी में मैं आपको दो सवाल कपल कर रहा हूँ. एक तो ये कि हमारे जो एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो कि भारत में अधिकतम विद्यार्थी होते हैं, एक वो हैं, उनको आप कैसे फोर्सी करते हैं, कैसे आने वाले दिनों में वो ग्रो करें, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, नंबर वन. नंबर टू आखिरी भी सवाल है यही, ChatGPT अगर आप देखें तो अभी जो दिख रहा है, या AI पर्सनल असिस्टेंट अभी जो देख रहे हैं, अगेन ये 10 साल बाद कैसे होने वाले हैं, 10 साल बाद ये बहुत ही रिवोल्यूशनरीली डिफरेंट होंगे. तो आज जो बच्चा कॉलेज में है, अभी फर्स्ट ईयर में है हो सकता है, या फिर अभी 8वीं 9वीं में है, वो उस टाइम में काम करने वाला है, तो वो कैसे एक बेहतर जगह पे काम कर सके, उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी, तो बताएं. ये आखिरी सवाल है. हाँ, पहले दूसरा सवाल लेता हूँ क्योंकि आई थिंक दैट इज स्लाइटली इजियर फॉर मी टू आंसर. बट आई थिंक किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी का अगर आप अडॉप्शन देखें तो बेसिकली इट स्टार्ट्स बिकमिंग सीमलेस इन योर डे टू डे लाइफ. तो किसी भी आप चीज को देखें, आप अपना व्हाट्सएप अगर सोचें या फोन एज अ टेक्नोलॉजी देखें, 10 साल पहले अगर आप फोन यूज करते तो यू वुड बी वेरी कॉन्शियस, आपको लगता कि हाँ मैं फोन यूज कर रहा हूँ. फोन एक तो उतनी कुछ कॉमन थी भी नहीं, तो इट वुड बी अ लग्जरी टू बी ओनिंग अ फोन एंड यूजिंग अ फोन. और अब 10 या 15 साल के बाद फोन हैज बिकम सच अ थिंग कि आप सुबह उठ के व्हाट्सएप चेक करते हैं और आपको सबकॉन्शियसली पता भी नहीं चलता कि आपने फोन खोला है. तो व्हेन टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स वीविंग इनटू योर डे टू डे लाइफ, दैट मींस कि उसका अडॉप्शन हो गया एंड इट इज अ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी. एंड आई थिंक ChatGPT बेस्ड एप्लीकेशंस या चैट असिस्टेंट बेस्ड एप्लीकेशंस का भी मैं इस तरह का ही कुछ फ्यूचर फोरसी कर रहा हूँ, वेयर इट विल हैपन कि आपके साथ एक की जो फोन, एंड आई थिंक फोन विल बी द मीडियम विद विच वी विल कंटिन्यू इंटरैक्टिंग, बट वो फोन आपका एक इस तरह का असिस्टेंट बन जाएगा जिससे आप डे टू डे अपने टास्क, अपनी चीजें, कैलेंडर, मैसेज भेजना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे जो आप काम अभी मे बी मैनुअली टाइप करके करते हैं, वो सारे आपके वॉइस बेस्ड या असिस्टेंट बेस्ड होने लगेंगे. और सिर्फ फोन में ही नहीं, इवन दी other technology things that you use, and it could be things like laptops. Microsoft for example is investing a lot ki hum operating system hai usme kaise AIML cheeze weave kare, ki aapne laptop khola ya aapne phone khola aur machine samajh jaye ki is person ka kya intent hai, isko is samay kya karne ka man hai, call karne ka man hai, browser kholne ka man hai, browser mein kuch search karna hai, amazon se kuch order karna hai, अपने आप मशीन समझ जाए और आपको एक हाइपर पर्सनलाइज्ड जो बोलते हैं रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन दे. तो उस तरह का हम दौर में जाने वाले हैं. सर्च इंजिन्स भी आई थिंक ड्रामेटिकली चेंज होने वाले हैं. तो अभी हम टाइप करते हैं, कुछ क्वेरीज टाइप करते हैं, इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्वर्सेशनल. आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो आप बस ChatGPT या उस इंटरफेस को, उस चीज से जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको आप बस बोलोगे कि भाई मेरा ये चीजें
मेरे मन में ये चार या तीन या चार क्राइटेरिया हैं भाई, इसके हिसाब से मुझको करके दो, आइटनरी एक बना के दो। तो इस तरह के एप्लीकेशंस इज समथिंग दैट आई फोरसी। एंड मूल जो वो है वो ये है कि आपके लिए ये सीमलेस होने लगेगा। यूएस में इवन बेसिक डिवाइसेस लाइक फ्रिज में भी अब टेक्नोलॉजी आने लगी है। एंड आई थिंक कि इंडिया में भी वी विल प्रॉब्ली स्टार्ट सीइंग दिस, विच इज स्मार्ट थिंग्स, आईओटी बेस्ड डिवाइसेस। तो आपके चारों तरफ भी शायद चीजें ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा लिंक्ड और डिजिटाइज्ड होंगी एसेंशियली। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट था जो विद्यार्थी वाला था उसका जवाब तो मैं जैसे देखता हूँ, जवाब तो खैर आप ही देंगे। व्हाट आई सी कि मतलब हम इस वक्त जिस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया कभी इतनी ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। दिस इज दी आज के टाइम में जो अपॉर्चुनिटी एक गांव के बच्चे को मिल रही है, एक मुंबई जैसे बड़े शहर के बच्चे को मिल रही है, या फिर न्यूयॉर्क जैसे शहर के बच्चे को मिल रही है, दे आर दी सेम विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें फॉर्चुनेटली वी आर इन्वेस्टिंग अपॉन रोल आउट ऑफ 5G 4G जैसी टेक्नोलॉजीज जो गांव गांव तक पहुंचनी शुरू कर रही है। तो जो गांव का बच्चा है जब वो पढ़ रहा है तो उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूजिंग दीज AI बेस्ड टूल्स, फिर वो चैट GPT हो, उसको सीखना है कुछ तो डायरेक्टली पूछ सकता है, उसको जवाब मिलेगा। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो इसको उसको यूज करना सिखाना आज के टाइम में टीचर्स का काम यही रह गया है कि वो कैसे बच्चे को सिखाना कि कैसे यूज करना है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, ये उसको सिखाया जाए। बाकी आप क्या कहेंगे इस पे? एक्चुअली काफी काफी प्रोफाउंड और काफी डीप चीज बोली आपने, एज आई मेंशन इनिशियली एज वेल, कि एजुकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ नॉट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट हर आदमी को जो जिस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है उसमें बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इंडिया में इट इज इवन अ बिगर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड सम हाउ आवर इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इज वेरी अनइक्वल। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट विद टेक्नोलॉजी विद दीज। अच्छा, AI ML का मैं एक और एग्जाम्पल एप्लीकेशन दूंगा लर्निंग में, बट विद दिस इट विल डेफिनेटली स्टार्ट मेकिंग थिंग्स लेवल प्लेइंग फील्ड। बट हमको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, बाय हमको आई मीन आर सोसाइटी एंड आर गवर्नमेंट, कि हम कैसे इंश्योर करें कि आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो एबल टू कीप अप पेस। दे ऑल्सो हैव टू थिंक ऑफ नेक्स्ट 10 या 15 ईयर्स और किस तरह की पेडागोजी और किस तरह की हमको लर्निंग स्टाइल इम्पार्ट करनी है। इट कैन नॉट बी रोट बेस्ड, कि भाई रट्टा लगा लो। वो भी हमको थोड़े से उस तरह की चीजों को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स स्टूडेंट को इन सब टेक्नोलॉजीज के थ्रू बहुत सारी हाई क्वालिटी एजुकेशन या हाई क्वालिटी मटेरियल का एक्सेस मिलेगा। आई थिंक AI ML का वन बिग एप्लीकेशन दैट आई सी इज कि पर्सनलाइज एजुकेशन या पर्सनलाइज लर्निंग स्टाइल करने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, देर इज रिसर्च विच सेज कि सम पीपल आर वेरी गुड एट विजुअल लर्निंग, देख के उनको समझ में आता है। सम पीपल आर गुड एट रिटन, कि वो लिख के जब तक नहीं करते या रिटन जब तक नहीं पढ़ते। मैं इनफैक्ट उस खेमे में आता हूँ, बट बहुत लोग विजुअल साइड भी रहते हैं, कुछ लोग ऑडियो साइड रहते हैं कि भाई सुन के ऑडिटरी सेंसेस जब तक एंगेज नहीं होते नहीं समझ में आता। एंड आई थिंक AI ML बेस्ड जनरेशन का टेक्नोलॉजीज। भी फर्क रहा है, हमारा जनरेशन पढ़ के आगे, मतलब ये हमने हमारे बचपन में हमारा पढ़ना ही फोकस था, लेकिन आज के उस टाइम हमारे टाइम में अब यूट्यूब अटेंशन स्पैन भी पर कम हो गया है, तो शायद इसी हम लोग आज भी का अब बच्चा मोर थोड़ा वीडियो देख बेस्ड हो के गए चीजों हैं। को सीख रहा है, तो अंतर शायद वो भी होगा। करेक्ट। तो कंटेंट कैसे हो सकता है ये AI ML सेम कंटेंट को लेके, बट समझ के कि भाई इस तरह का यूजर विजुअल बेस्ड समझता है, इस तरह की फॉन्ट या इस तरह के ग्राफिक्स उसको ज्यादा अपील करते हैं, तो उसको कस्टमाइज कर पाएगा। एंड आई थिंक तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होने कर रही वाली है। है, एप्लीकेशन होने वाली है, कैसे उसको हम यूज करेंगे, कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको यूज करेंगे, क्योंकि पूरी 100% रिमोट लर्निंग आई थिंक इज नॉट फुली इम्पैक्टफुल। यू नीड दैट इंटरेक्शन विद अदर पीपल। हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो जब बैचमेट साथ में डिस्कस करते थे या टीचर से क्वेश्चन एंड आंसर करते थे तो उससे भी एक वैल्यू ऐड होता था, और जो एक सोशल एनवायरमेंट का भी जो इफेक्ट आता है वो कुछ क्वालिटेटिव चीजें तो आई स्टिल फील की जरूरी है। तो
तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी सिर्फ ये चीज प्रोवाइड करने के लिए ही बने गए। हो सकता है कि कंटेंट का उतना फोकस ना हो, बट एटलीस्ट ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का हो, एंड सो दैट इज दोस थिंग्स दैट यू नो दिस इंस्टीट्यूशंस हैव टू देन फोकस ऑन। तो वैसे तो मैंने कहा था आपको आखिरी सवाल है, पर इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, ये सारी जो है एआई असिस्टेंट्स, ये नंबर वन भारत में क्यों नहीं बन पाए? नंबर टू, आज तो चलिए सब कुछ फ्री है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसको प्रोसेस करने में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, यानी पैसा कोई तो खर्च कर रहा है जब हम चैट जीपीटी में इनपुट्स डाल रहे हैं, तो ये कब तक फ्री रहेगा? और अगर नहीं रहेगा तो क्या सरकारों को इसको रेगुलेट करना चाहिए कि ये एक फ्री टूल बन के हमेशा लोगों तक अवेलेबल रहे? तो दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन एंड आई प्रॉमिस दिस। नहीं, और डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरा ये पर्सनल दावा है या ओपिनियन है कि इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया से एक तो कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आएगा विच विल बी ग्लोबल इन नेचर एंड वी विल लीड इट। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि एज यू मेंशन्ड कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो अब एक्सपोजर ऑफ थिंग्स इज बिकम मच मोर इक्वल। तो अगर कोई बहुत ब्रिलियंट, बहुत स्मार्ट, शार्प एंटरप्रेन्योर इंडिया में है, तो उसके लिए एक्सेस टू कैपिटल बाय वेंचर कैपिटलिज्म, फंडिंग एटसेट्रा इज बिकम इजियर, बिकॉज ये कंपनीज या ये इंस्टीट्यूशंस भी आने लग गए हैं, बट ऑल्सो द एक्सपोजर इज देयर। रिमोटली भी अब आप अप्लाई कर सकते हो, ये स्टार्टअप लैब्स होते हैं, आप रिमोटली अप्लाई कर सकते हो। एक दो इंस्टेंसेस मैंने सुने हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट्स, मतलब कुछ IIT से पास आउट्स हैं, US आए, US में उन्होंने अपना पिच किया एंड दे गॉट थ्रू एंड दे गॉट फंडिंग। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोगों के पास एक्सपोजर है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। तो जो इंडिया में एक IIT स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन है कि भाई कैसे फंडिंग लेते हैं, वही जो US के MIT स्टूडेंट के पास है वो इंडियन स्टूडेंट के पास भी है। दूसरा, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है सोसाइटीज का। वी स्टार्टेड आउट इन कोट एंड कोट स्लाइटली लो वैल्यू चेन एप्लीकेशंस, BPOI, इंफोसिस आया, KPOI, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स आर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल। फ्लिपकार्ट एज एन एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट बनाया है, अब वॉलमार्ट ने एक्वायर किया एंड वॉलमार्ट इज एक्चुअली स्टार्टेड टू यूज दैट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्ट्स इन US। तो थोड़ा इन्फ्यूजन अब इंडियन प्रोडक्ट का होने भी लग गया है। एंड आई थिंक इसका थर्ड स्टेज यही होगा कि एट वन पॉइंट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स विल क्रिएट समथिंग एस्टाउंडिंग, समथिंग डिस्ट्रप्टिव, समथिंग इनोवेटिव, एंड दे विल लीड द वर्ल्ड। तो एक ही एंगल है सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरा ये है कि आई डू सी सम लेवल ऑफ स्लो डाउन इन US, इन चाइना, इन टर्म्स ऑफ द इनोवेशन कैपेसिटी, इनोवेशन केपेबिलिटी, अ लॉट ऑफ पीपल हियर फॉर एग्जाम्पल। और ये थोड़े नुआंस डिस्कशन है, बट फॉर एग्जाम्पल लोग कॉलेज नहीं जाना चाह रहे अब, पर ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आने लगती है कि भाई अब अंडर ग्रेजुएट ही नहीं कर रहे, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग नहीं है, नॉर्मल लोग हाई पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं लोग कर पा रहे, तो एक ह्यूमन कैपिटल का डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग गया है। थर्डली आई थिंक, एंड बाय द वे, चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं ग्लोबल स्टेज पर। टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल हैज कंप्लीटली टेकन ओवर फेसबुक। फेसबुक इज वेरी थ्रेटन्ड एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एक बाहर का, US से बाहर का प्रोडक्ट US में डोमिनेट कर रहा है। तो हमको ट्रेंड्स तो दिख रहे हैं कि पॉसिबल तो है डोमिनेट करना वर्ल्ड स्टेज पे। चाइना ने स्टार्ट कर दिया है। ओनली प्रॉब्लम विद चाइना इज वेरी बैड गवर्नेंस, इन द सेंस ओपेक गवर्नमेंट्स है, आपको पता नहीं कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, क्या सर्वेलेंस हो रही है। एंड इंडिया हैज अ लॉट ऑफ दीज एज पॉजिटिव्स, वेरी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, वेरी ओपन गवर्नमेंट, और इस तरह की इंटेंशंस है ही नहीं कंट्री के। तो ये दूसरा फैक्टर देखते हुए मुझको ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर इन द नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स। सो ऑन दिस ऑप्टिमिस्टिक नोट, जैसा इन्होंने कहा, वी आर पॉइज्ड टू टेक ऑफ, रनवे पे लगभग भागना शुरू कर चुके हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बार गति होगी तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, विमान उड़ने वाला है। सो थैंक यू सो मच अनादि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड हमारे दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। और क्या आपके सवाल हैं आप जरूर हमें कमेंट में बताएं,
एंड आपके सवालों को एड्रेस करने के लिए होपफुली नादी जी के साथ दोबारा मुलाकात होगी अगली फिर अगले पॉडकास्ट में, वापस से आपके जो सवाल होंगे उनको हम कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनादी, थैंक यू सो मच, एंड फिर मुलाकात होगी अगले फिर अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच किंजल, इट वाज अ प्लेजर.